हम देखते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका नष्ट हो रहा है। और हमको क्या दिया है? ग्लोबल वार्मिंग दिया है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब गर्मी बढ़ रहा है, और क्लाइमेट चेंज, कभी बारिश है, कभी साइक्लोन है, कभी और कुछ चीजें, तरह तरह की चीज हमको दान किया है। और हम लोगों को ऐसे प्रदूषण किया है कि जो हम लोग ना जी पाते हैं ना मर पाते हैं। और अभी अभी हमको क्या दिया है? कोरोना दिया, एलोवा दिया है, बहुत सारे चीज को हमको दान कर रहा है। और हम लोग क्या किए कि जो हवा को जहरीला बना दिए, नदी को नाली बना दिए, गंगा जैसी नदी को, जो पवित्रता है, सबसे बढ़िया नदी दुनिया में कोई है तो गंगा थी, लेकिन अभी वो नाली जैसा हो गया। उसको नहाने में जाओगे तो डर लगता है। पहले पाप को शुद्ध करने के लिए ना गंगा में नहाया जाता, आजकल उल्टा है। और जमीन को हम बंजर बना दिए, यही तो देन है हमारा टेक्नोलॉजी का। और सबसे बड़ा जो देन मैं जो मानता हूं कि जो हमारे दिमाग है, मानव का सबसे बढ़िया जो है दिमाग, उनको हम नष्ट कर दिए, भ्रष्ट कर दिए। और हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी है, किसी के पास समय नहीं है भाई। ये जो जितना भी टेक्नोलॉजी क्या है, समय का बचत करना है। और टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम लोगों के पास समय नहीं, हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हाइपरसोनिक व्हीकल जैसा हम दौड़ रहे, भाग रहे, स्ट्रेस आ जाता है, सुसाइड करते हैं हमारे बच्चे लोग, किसान सुसाइड करता है, समाज नष्ट हो रहा है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। और हम लोग कह रहे हैं हम जी रहे, हम मानव है क्या? ये टेक्नोलॉजी का दान है, ये जो सवाल उठता है। और हमारा इकोनॉमी देख लीजिए, कोई कहता है कि मेरे को $3 trillion चाहिए, कोई कहता है कि ये हमारा इकोनॉमी क्या होगा, मान लो ये हो जाएगा कि हमको खाना मिल जाएगा, हम चैन से रह पाएंगे सब लोग। मैं कह रहा हूं कि हाँ, हो सकता है कि बड़े बड़े लोग आ जाए जिसके पास धन का अंबारा है, लेकिन गरीब भी आ जाए जिसको खाना ना मिले, एंड ऑल एंड ऑर्डर आप देखेंगे तो खराबी हो रहा है। सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आप देखेंगे तो वो भी बड़ी गंध है। जो पॉलिसी बनाते हैं उनको पॉलिसी के बारे में क्या पता, उनको जानते हैं, जो बनाते हैं वो भी नहीं जानते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी नहीं जानते भारत को क्या चाहिए। बड़ी बिकट स्थिति है। दयाशंकर जी, मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा आप दूसरे का माइक बंद कर दीजिएगा दयाशंकर जी, क्योंकि आवाज आ रहा है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, आप थोड़ा कंट्रोल करिए ना। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, कंट्रोल कर सर। ठीक है, अच्छा, तो आप देखेंगे अभी जैसे कि कोरोना आया, कोरोना में क्या हम लोग सीखे, कोरोना ने लोगों को घर में बंदी कर दिया। बंदी करने से क्या हुआ कि हमारा प्रदूषण कम हो गया अपने आप, कोई रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। ये जो IIT वाले, NIT वाले बड़े बड़े वो जो रिसर्च कर रहे हैं प्रदूषण कम करने के लिए, गंगा के लिए रिसर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपया ले लिए गंगा को साफ सफाई करने के लिए, इतना पैसा सरकार ने खर्चा किया, लेकिन गंगा साफ नहीं होती। लेकिन कोरोना ने करके दिखा, लेकिन उसका मतलब प्रकृति को हम नष्ट कर। और आप देखेंगे भारत में जितना भी सिटी, जितना भी शहर है, बड़े बड़े शहर, सबसे एक ही शहर जो आपके हिमालय, जो आप त्रिपुरा में गांगटक में किधर है, एक ही शहर को छोड़ के सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सब रहने के योग्य नहीं था। लेकिन अभी कोरोना आया तो उनको हम लोग बंदी कर दिए, हमारा एक्टिविटीज जो है मानव का कम हो गया, तो अपने आप सही हो गए। तो उसका मतलब ये टेक्नोलॉजी का दान है कि हमको नष्ट कर रहा है, हमारे हमको ध्वस्त कर रहा है। यही तो दिया है टेक्नोलॉजी ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ऐसे देखा जाए तो कि आप देखेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग है उनका जो मेन ध्येय रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अभी ऐसे लोग सोचते हैं कि भाई वेस्टर्न लोगों ने रिसर्च करके पाया है कि मान लो 500 ppm के ऊपर चला जाएगा, अभी जद भी अराउंड 400
18 या 19 या 20 ऐसे कुछ बीपीएम है तो वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो पेड़ वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन दे रहा है उल्टा करेगा हम जाएंगे कहाँ, सब मरेंगे कीड़ा मकोड़ा जैसा। वही तो ये किसका दान है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दान है। तो अच्छा ये हुआ क्यों, मान लो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमको खा रहा है, धरती को नष्ट कर रहा है और हमारे समाज को ध्वस्त कर रहा है, सिर्फ हमारा नहीं पूरा धरती में जितना लोग है सब त्रस्त है, सब भाग रहे दौड़ रहे और नाटक कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो हमारा जीवन को नष्ट अस्त व्यस्त त्रस्त करके रखा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इनका कारण क्या है, इनका कारण है कि जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी आसुरी के, जैसे कि रावण के पास टेक्नोलॉजी थी लेकिन वो असुर का था। एक रावण को मारने के लिए राम ने जन्म लिए, आजकल 100-100 रावण है, 100-100 नहीं लाख लाख रावण है, तो उनको मारने के लिए मैं लाख लाख राम कहां से लाऊं मैं, क्योंकि मैं किसी को देखता हूं तो रावण का भाई है, चचेरा भाई हो सकता है या पुत्र है या पुत्री है। तो वो रावण के पास भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी था, अब देखिए पुष्पक विमान उन्होंने चुराया कुबेर से, तो उनका भी अस्त्र शस्त्र था। तो ऐसे भी हमारे जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी अस्त्र शस्त्र दिया है, लोगों ने युद्ध कर रहे हैं, पाकिस्तान हमको खा रहा है, चाइना कह रहा है कि अटैक कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, हम भी मार रहे हैं। तो ये सिर्फ भारत के नहीं है, ये सब दुनिया में युद्ध करने के लिए ये सब टेक्नोलॉजी विज्ञान और टेक्नोलॉजी वाले लोगों ने दिए हैं। ये क्यों हुआ, क्या कारण है? इसका कारण है कि जो वेस्टर्न लोगों का जो सोच है वो रिलीजन से, जो संप्रदाय से जुड़ा हुआ। मैं उसके डिटेल नहीं जाऊंगा, मैं इतना कहूंगा कि उनका जो भावना है वो एक्चुअली उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रकृति के साथ नहीं है। वो कहते हैं कि मैं एक बार जन्म लिया हूं, मेरे को जितना उपभोग करना है उपभोग कर लूं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम में उपभोग करना चाहिए। इसलिए उपभोक्तावादी समाज को बनाते हैं, कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूम ज्यादा करो, तो ज्यादा करो तो ज्यादा टेक्नोलॉजी बनाओ, ज्यादा टेक्नोलॉजी बनाओगे तो ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा बेचोगे, ज्यादा नष्ट करोगे, ज्यादा वेस्ट करोगे। तो और उनका फिलॉसफी जो है रिडक्शनिस्ट है, एंड दे डू नॉट सी, उनका जो है मायोपिक आइडियाज, और वो प्रकृति को नहीं देखते, और उनका जो लाइफ जीवन है वो रॉन्ग फिलॉसफी ऑफ लाइफ। एज आई टोल्ड, रॉन्ग फिलॉसफी लाइफ मीन्स क्या है कि वो कहते हैं कि मैं एक बार जन्म लिया हूं, खा के मौज करूं, मस्त रहूं और दूसरे के नहीं। और वो कहता है कि मैं प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए विज्ञान करता हूं। आप लोग भी कहते हैं, मैं बहुत बार सुना हूं भारत में भी, वो तो हम लोग तो तोता बन गए, हमको तो कोई सोच नहीं है, जो वेस्टर्न लोग कहेंगे हम उसमें गाना गाएंगे। तो हम ऐसे ही बन गए हैं कि हमारे सोचने का क्षमता नष्ट हो गया, और हमारे जो समाज है वो समाज मर रही है। उसको कौन मार रहा है? नहीं, जो मार्केट वाले हैं, और बहुत सारे तत्व मैं बताऊंगा नहीं, मेरे को समझ में आ गया है कि भाई ये लोग, और हम लोग इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, ये सब करते क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, किसके साथ नौकरी करते हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, और वो लोग लेकर हमको मारते हैं, खाते हैं, हमारा जेब चुराते हैं और हमारा धरती को नष्ट करते हैं। तो जो भी अभी तक लीडर भारत में पैदा हुए हैं, अभी तक जितना भी लीडर आप देखे होंगे, सिर्फ उनको एक छोड़ दीजिए, जिस समय में हमारा भारत स्वाधीन हुआ था उस समय में अच्छे अच्छे लोग बने थे। अभी जो लोग बन रहे हैं वो बहुत ही बेकार है, उनका कुछ समझ में नहीं है। वो जाओ बाहर घूम जाओ, उसको देखो, कोई अमेरिका बनाना चाहता है, कोई फ्रांस बनाना चाहता है, भाई वेस्टर्न लोग ही सब कुछ है। तो उनको वेस्टर्न लोगों को समझ में नहीं है, वो नष्ट कर दिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी पावरफुल है। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी, लोग बड़े बड़े बातें करते हैं लेकिन फंडामेंटल में जो मूल है तत्व है उसको समझते नहीं है, एंड ह्यूमन वैल्यू कम हो गया। और इसका मूल तत्व कहाँ है? वो मूल जो है हमारे जो शिक्षा पद्धति, जैसे कि मैं जाके पढ़ाता हूँ, अभी जैसे लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग मेथड।
लेकिन वेस्टर्न लोगों ने कह दिया मैं लेक्चर दूं। तो लेक्चरिंग इज द वर्स्ट मेथड, जो मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग है हमारा, वो लोग कहते हैं कि मैं इंटरनेट में पढ़ा दूंगा। अरे इंटरनेट में पढ़ा ही नहीं जा सकता, लेकिन सर्टिफिकेट दिया जा सकता। तो ये जो एडुकेशन है, एडुकेशन का क्यों करूं मैं, शिक्षा क्यों दूं, उनको समझ में नहीं है। और उनका जितना भी समस्या है उसका जो मूल, जिसको सेंट्रम कहते हैं, मूलाधार कहते हैं, वो है आध्यात्मिकता, जिसको भारतीय परिभाषा में उसको धर्म कह सकते हो। लेकिन धर्म संप्रदाय नहीं, रिलीजियन। भारत में पूरा दुनिया में एक ही धर्म है, वो क्या है, सनातन धर्म, जिसको मैं मानव धर्म कहता हूं। जितना भी दूसरा है लोग है वो सब अधर्म है, लेकिन लोग कंफ्यूजन में। तो हमारा जो मूल चीज है आध्यात्मिकता, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, आध्यात्मिकता बिना वो विज्ञान टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकता है, वो हमको नष्ट करे करता है। और इसीलिए वेस्टर्न लोगों ने हमको फंसाया और हम लोग अभी नहीं समझ पा रहे क्या चीज उसका समाधान क्या है। समाधान आप देखेंगे तो इसका समाधान क्या है, मैं तो आप लोगों के साथ संवाद नहीं कर सकता हूं, साधारण तो मैं संवाद करता हूं। मेरा जो लेक्चर चलता है डेढ़ घंटा से लेकर चार घंटा तक चलता है, मैं मोनोलॉग नहीं करता। मोनोलॉग मतलब मैं बोलू आप सुने, ऐसे मैं नहीं करता। लेकिन अभी कोविंद का कहर है और इंटरनेट में करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं कर रहा हूं। मेरे को मजा नहीं आ रहा भाई, बोलना है क्या मजा आएगा, जब तक हम लोग देखे नहीं, जब तक उसको आपको समझे नहीं क्या बोलना है, मेरे को मजा नहीं आ रहा। लेकिन क्या करे, मजबूरी है, मजबूरी में तो कुछ तो करे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो हमारा जो चीज है हमको देखना पड़ेगा, ये जो भारत है कितना आक्रांत ने आए, हमको मारे पीटे, हमको ध्वस्त किए, रेप किए, मर्डर किए, हमारा सबको नष्ट कर दिए, फिर भी भारत अभी जिंदा है। लेकिन हम लोग जो स्वाधीन भारत का है, लोग सब मिलजुल के मार रहे, पीट रहे हैं और उनको कह रहे भारत विकास कर रहा है। ये बड़ी दुखद विषय है। तो हमारे समाज को हम ही नष्ट कर रहे हैं और मेरे जीवन काल में हो रहा है, मेरे को पीड़ा है, दुख है, मैं क्या करूं, अकेला हूं, मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मैं कर सकता हूं क्या, ऐसे ही भाषण दे सकता हूं और क्या कर सकता हूं। लेकिन आप लोग तो इतना थिक स्किन है तो सुनने के तैयार नहीं है, कहे बोल रहा है बोलने दो, बाद में हम देखेंगे। हमारा तो खाना खाना है और पशु की तरह जीना है, बच्चा पैदा करना है, मरना है, उनको क्या है, उनको ये तो थोड़ा सटिया गया है, उनको बोलने दो। तो ऐसे करके, लेकिन मेरा काम क्या है, आपको जगाना, आप नहीं जगा सकते तो मैं क्या कर सकता हूं। मान लो कटहल है, कटहल को मूथा मार के पकाना जैसा मैं काम कर रहा हूं, आप लोग क्या है, कटहल है, मेरे को कष्ट होता है मूथा मारने में, लेकिन मैं क्या करूं, और कोई तरीका नहीं पकाने के लिए। आप मेरा पीड़ा को समझ रहे हैं क्या, जो भी सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा। तो फिर भी इतना आक्रांत नहीं, आप देखेंगे कि आप देखिए इराक, आप देखिए ईरान, आप देखिए उनका जो सभ्यता था, मेसोपोटामिया सभ्यता है, वो सब नहीं है, लेकिन हमारा सभ्यता अभी भी जिंदा, लेकिन मरने का कागार है। कौन मार रहा है, हम लोग ही मार रहे हैं, हमारे ऊपर हमला है, वो है हमारे संस्कृति के ऊपर हमला, लेकिन किसी को समझ में नहीं है। वो कह रहे हैं एमएनसी आ रहा हमको नौकरी दे रहा, तो ये छोड़िए मैं इसको इधर आ जाता हूं। इसका क्या है कि जो मैं कह रहा था, तो हमारा जो समस्या है आप देखेंगे इसके लिए समाधान क्या है, हमको समझना पड़ेगा। हमारे संस्कृति का मूल पिंड कहाँ है, मूल मंत्र क्या है, उसको समझना पड़ेगा। हमारे जो विज्ञान था, हमारे जो टेक्नोलॉजी थी, उनका मूल तत्व क्या है, हमारे जो फिलॉसफी है उसको डिफाइन करना है। हमारा जो जीवन है, हम मानव है, हम पशु मानव नहीं है, असुर नहीं है, हम लोग अभी भारत असुर का भूमि हो गया। अभी मेरे को तो कोई, मैं जितना भी लोगों के साथ संवाद किया हूं, मेरे को कोई मानव दिखाई नहीं देता, वो तो सब पशु मानव है, जिसको असुर में कहता, असुर है, भारत को देवभूमि कहा जाता है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कौन मानव बनेगा। मानव बनने के लिए ताकत चाहिए, तपस्या करना चाहिए, बहुत सारे चीज चाहिए, लेकिन करेगा कौन, ये सवाल उठता है। तो उसको करना पड़ेगा। और हमारे जो समाज है, समाज को हमारे समरसता के साथ, संस्कृति के साथ,
छोड़ना पड़ेगा और तपस्या करके हम उसको नई भारत का उदय कर सकते हैं, नई विज्ञान का, नई विज्ञान के मतलब प्राचीन भारतीय विज्ञान टेक्नोलॉजी का उदय कर सकते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा जो कैसे करने का, मैं आपको थोड़ा नजारा सा दिखाऊंगा या बोलने वाला हूं कि भारत में टेक्नोलॉजी था क्या। अब देखेंगे, अब मैं तो आपको महाभारत रामायण में लेके नहीं जाने वाला, क्योंकि वो कहेंगे ये तो कथा है, मैं क्यों कहूं। मैं जाऊंगा जिधर हमारे पास एविडेंस है। वो क्या है कि आप देखेंगे कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें वेस्टर्न लोगों ने बहुत काम किए हैं और ब्रिटिश लोगों ने ही शुरुआत किए थे, आज भी कुछ कुछ लोग हमारे लोग कर रहे हैं डर मर के, उनके साथ जान नहीं है, कोई अच्छे आदमी उधर नहीं जाता है रिसर्च करने के लिए, वो तो सब कहते हैं इंजीनियर होंगे और सॉफ्टवेयर नौकरी करेंगे और रोजी रोटी करेंगे, एजेंसी में जाएंगे, इसमें कौन जाएगा, इसमें लोग नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे चीज, आपको आप लोग जाके देख लिए इंटरनेट में, हमारे पास यूटेंसिल है, बड़ी मेन काम हमारे पास है। तो आप देखेंगे कि ये सब चीज जो बनाया गया है वो क्या है कि हाथ में बना है। जैसे कि मेरे को अभी याद आ रहा है कि एक नेचर मैगजीन, जैसे बढ़िया, जैसे कि आईआईटी में कोई नेचर में पब्लिश करता है उनका नाम आगे रहता है, उनको पैसा भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें एक 2006 में साइंटिफिक नेचर जर्नल में एक पेपर पब्लिश हुआ, वो दिखाता है, दर्शाता है कि मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो अब भारत का हिस्सा ही था अभी 1947 से पहले, तो उसमें उन्होंने पाया कि जो एक जिंदा आदमी के जो दांत होता है, दांत में वो ड्रिल किया गया, उसमें मिला, और उनको करीब 9 एडल्ट में किया गया है, वो उन्होंने रिसर्च करके पाया। और ऐसे बहुत सारे चीज है। तो आप देखें कैसे किए थे, एनेस्थेसिया था क्या, उनको ड्रिल किए हैं, कैसे किए, अभी तो मशीन में करते हैं, उधर हाथ में किए होंगे शायद, या कोई मशीन था क्या, ये सब सवाल उठता। आप एक बताएं कि हम लोगों का अभी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के लिए हमारे जो जितना भी काम होता था वो बेसिकली क्या है कि हाथ में करते, हाथ में क्यों करे, मशीन में क्यों नहीं करे, ये सवाल आता होगा आपको, आता होगा। मैं ये सवाल कर लेता हूं, अभी जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे उसको डिस्कशन करेंगे भाई हम कौन सा करें। मैं अभी इसको क्वेश्चन को छोड़ता हूं, क्योंकि मैं तो ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जो कि ठोस है, जिसको कोई सबूत है, उसको कोई नकारात्मक दृष्टि नहीं दे सकता है, क्योंकि ये सब है। अब देखेंगे हमारे पास जो था कि एंशियंट इंडियन टेक्नोलॉजी में क्या क्या थी, हमारे पास जो कारीगरी था एग्रीकल्चर में माहिर थे, हमारे पास सिविल इंजीनियर तो बढ़िया थे, आर्किटेक्चर, मेटल एंड मेटलर्जी, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेपर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, बहुत सारे चीज, केमिकल टेक्नोलॉजी, हमारे तो शिप बिल्डिंग बढ़िया था, आयुर्वेद सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, इवन नैनो मटेरियल भी हम लोग करते थे। मैं एक लेक्चर दिया था कुछ साल पहले कि नैनो मटेरियल, यू नो, नैनो टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, लोगों को पता नहीं है लेकिन हमारा है। ऐसे बहुत सारे चीज पड़े हैं कि हमारे भारत में था लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारा जो शिक्षा प्रणाली है, हम लोगों को हमारे पूर्वज लोगों के ऊपर अविश्वास करने के लिए मजबूर करता है। संशयात्मा विनश्यति, ये भगवत गीता का वाणी है, जो अविश्वास करेगा वो उसका विनाश सुनिश्चित है। वो हमारे पूर्वज लोगों के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है तो हमारा अभी विनाश अनिवार्य है और हो रहा है, और उसको हम क्या कह रहे हैं, विकास का नाम दे रहे हैं, गाना गा रहे गाओ, और लोग कह रहे हैं विकास विकास, मैंने कहा इसको विनाश विनाश, एक्चुअली विनाश विनाश गाना चाहिए, उसके लिए तरकीब सोचना चाहिए, विकास कैसे हो सकता है। लेकिन लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, भारत में अभी करीब 70-80% लोग पढ़े लिखे होंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाता हूं प्रोफेसर लोग कहते हैं विकास विकास विकास, मैंने कहा विनाश विनाश विनाश, वो कहते हैं तुम सठिया गए हो, तुम
अलग सोच रहे हो, कोई दूसरे दूसरे द्वीप से आ गए हो या दूसरे प्लैनेट से आ गए हो, ऐसे लोग हमको बताते हैं। देखिए हमारा जो है सबसे बढ़िया जो चीज है खाना, अन्नाद भवति भूतानि, अन्न प्रतिष्ठा देवा, अन्न के बिना कुछ नहीं है। जो भी भाग दौड़ कर रहे हैं किसके लिए, खाने के लिए। और खाना ने हमने क्या किया, ग्रीन रिवोल्यूशन किया। आजकल तो पिंक रिवोल्यूशन कर रहे हैं, व्हाइट रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ही रिवोल्यूशन कर रहे हैं। और ये सब दूसरा देश लोगों को जो कहते हैं हम करते हैं, उसको रिवोल्यूशन का नाम देते हैं, नारा लगाते हैं और हमारे चीज को नष्ट कर देते हैं और हमको बेकार, बेकूफ, बेरोजगार, बेईमान, विकलांग बना देते, उसको टेक्नोलॉजी का नाम देते। तो हमारे वो क्या किया, तो हमारे जो है प्रोडक्शन को कम कर दिया, थोड़ा बढ़ाया था वो जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो केमिकल फर्टिलाइजर दिया जाता, हमारे जमीन को बंजर कर दिया, हमारे मिट्टी को नष्ट कर दिया, हमारे पानी को नष्ट कर दिया, हवा को जहरीला बना दिया और हमारे गांव को नष्ट कर दिया। गांव में खेती होता था, बैल रहते थे, गाय पालन करता, अभी सब ट्रैक्टर पालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर जो हम लोग पेट्रोल बाहर से लाएंगे उसको जलाएंगे और हमारे शरीर को नष्ट करेंगे, एयर पॉल्यूशन करेंगे उसके बाद, और खाना क्या खाते हैं, बेकार। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे क्या है कि हम लोग आर्टिफिशियल केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल्स क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देता है और सॉइल स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देता है और हमारे जो अर्थ वर्म्स है ना उसको भी मार देता है, कीड़ा मकोड़ा जो भी सबके साथ संबंध में रहते थे उसको नष्ट किया और हमारे जमीन को नष्ट कर दिया और हमको बर्बाद कर दिया। हमको जो शरीर पाए हैं, मैं जो शरीर मिला है, तुम लोगों को जो शरीर मिला है वो सब केमिकल युक्त है और गंतागर है, किसका, डिजीज का, रोग, और हमारे रोग प्रतिरोध शक्ति कम हो गए। तो इससे चलते हुए आप देखेंगे कि मैं आपको एक उदाहरण, उसका सलूशन क्या है, भाई ये तो समस्या है, सलूशन क्या है, सलूशन क्या है कि हमारा है प्राकृतिक खेती, लेकिन प्राकृतिक खेती को कोई जानता नहीं है। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग सोच है क्योंकि वेस्टर्न लोगों ने इधर आए, हमारे चीज को सीखे, उसको लिए ऑर्गेनिक बना दिए, उसको हमको बेच रहे हैं और उनका व्यापार बढ़ रहा है और हम लोग गरीब हो रहे हैं और हमारा प्राकृतिक खेती को गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 1762 में अराउंड वही 5-6 साल में एक सर्वे किया गया था, और ब्रिटिश लोगों ने 2000 गांव में चेंगलपट्टू जो है तमिलनाडु में सर्वे किया और उनको मिला कि 12 टन से पैडी फॉर एक्टर उन्होंने उस समय में पाया था जो कि डाटा है, लेकिन अभी कोई दे पाएगा क्या, जितने भी केमिकल इस्तेमाल करना है करो, हाइब्रिड सीड लगाओ और आपका जेनेटिकल मॉडिफाइड लगाओ, कर सकते हो क्या, कोई करके मेरे को बताओ, नहीं कर सकते। लेकिन उनको कौन देखेगा, हमारे हमको सिखाया नहीं गया, बताया नहीं, ऐसे बहुत सारे डेटा है। तो ये जो हमारा प्राकृतिक खेती है क्या, केमिकल फर्टिलाइजर क्या करता है, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा, जितना भी चीज है जो एक के दूसरे को जुड़ के मरते हैं, तो एक क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचित जगत्या जगत तेन तेन बंजिता मां कश्चित कृतम, जो भी चीज है सब एक के साथ जुड़े हुए, सब ब्रह्म है, वो हमारा शास्त्र कहता है। इसे हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, क्या है कि बंगाली नहीं है, उड़िया नहीं है, कुछ नहीं, सब ब्रह्म का अंश है, तेलुगु नहीं है, ये सब तो लोगों ने बनाया, ये तो ब्रह्म नहीं बनाता। तो वो जो है जीव जीव जीवती, ये हमारा शास्त्र का वाणी है। तो मतलब एक दूसरे को ऊपर निर्भर करते हैं, खाना खाते हैं, वो मरते हैं, लेकिन हम सबको ध्वस्त कर दिए। लेकिन हमारा जो प्राकृतिक खेती है वो क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन, वो फार्मिंग को कैसे करता है, बनाता है, जैसे कि जो सबके साथ प्रकृति के साथ समरसता के साथ जीता है। और आप देखेंगे आज का जो केमिकल फार्मिंग है सबको मारता है और आपको अनाज देता है जिसमें केमिकल है। तो ऐसे देखा जाए तो नेचुरल फार्मिंग जो हेल्प्स टू अचीव द गुड क्रॉप यील्ड्स, वो क्रॉप को अच्छा बनाएगा क्योंकि एक दूसरे को परिपूरक है, विदाउट हार्मिंग द नेचुरल एनवायरमेंट हैबिटेट
having a relationship between man, animals, insects, microorganisms, plants, air, water, whatever the all the limbs of the nature are complementing each other. See, look at samarasata ke jaise jee rahe hain, to uska matlab unka jo technology hai bahut hi garbad bhayankar bhayanak hai aur hum logon ko dost kiya, aur sirf hum logon nahi pura dharti ko dost kiya, kyunki un logon ko samajh mein nahi hai. वो कहते हैं प्रकृति के ऊपर विजय करेंगे, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है माता भूमि पुत्र हम पृथ्वीम, ये जो धरती है वो मेरा माँ है, माँ के साथ युद्ध कैसे कर सकते हो, माँ के साथ लड़ाई करके माँ के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे तो तुम मूर्ख हो क्या, असुर हो क्या? जैसे कि रावण ने अपने माँ को सताया था, अपने बाप को पीटा था, तो ऐसे ही तुम असुर हो ना. असुर लोगों के लिए असुर टेक्नोलॉजी चाहिए, जो वेस्टर्न लोगों की टेक्नोलॉजी असुरी टेक्नोलॉजी है, और वो उस धरती को नष्ट कर रहा है. लेकिन हमारा जो टेक्नोलॉजी है आध्यात्मिक युक्त है, वो मानव टेक्नोलॉजी हो सकता है, देवता के लिए टेक्नोलॉजी हो सकता है, तो हमारा डायमेट्रिकल अपोजिट. तो इसको आपको समझना पड़ेगा. और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको कुछ डेटा बताने वाला हूँ, मेरे पास कुछ डेटा है. ये जो डेटा लिए हमने रटजर यूनिवर्सिटी नेचुरल गार्डनर्स कैटलॉग से हम लिए हैं डेटा. अब मैं कहता था आपका, आप लोग सब क्या कहते हैं स्पिनाच खाते हैं, पालक, पालक पालक में ज्यादा आयरन होता है, आप उसको केमिकल फर्टिलाइजर देके करेंगे तो आपको 19 मिली इक्विवेलेंट एक कुछ यूनिट होता है. लेकिन मैं ऑर्गेनिक जो अमेरिकन का ऑर्गेनिक है, मैं कहता हूँ प्राकृतिक में और ज्यादा आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है ना वो थोड़ा हाइब्रिड है. मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये पागल का कुत्ता, ये धोबी का कुत्ता जैसा है, ना घर का ना घाट का. जैसे कि हम लोग भारतवर्ष में गाय को क्या है कि नस्ल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ना, हमारा देसी गाय जो सबसे बढ़िया गाय है दुनिया में, और वो जो जर्सी गाय और होलस्टेन उसको मिला देते हैं, ना इधर का ना घाट का, नष्ट कर देते हैं. ऐसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हमको ये मिला जुला के वाला है, उनको समझ में नहीं है. सबसे बढ़िया जो है प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो 15,1580 मिली इक्विवेलेंट मिलेगा, वो शरीर को तत्व देता है. उनका डाटा है, मेरा डाटा नहीं है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चीज में है. तो लेकिन दुख की बात है कि हम लोगों के पास डाटा, हमारा डाटा नहीं है, और भारत सबसे बढ़िया देश है, क्योंकि उपजाऊ जमीन इधर इतना बढ़िया है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम सब क्या है कि जमीन को नष्ट कर दें ये केमिकल फर्टिलाइजर और ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे. आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का जमाना है, वो भी हमको कोई कहां का नहीं रखे. मैं आपको आगाह कर रहा हूं, हमको करना है, मरना है, जीना है, प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा, प्राचीन भारत में परंपरा को उज्जीवित करना पड़ेगा तो हम जी पाए. मैं और एक उदाहरण लेता हूं, तो आप देखेंगे आजकल इरिगेशन के लिए, खेती के लिए इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन के लिए बड़े बड़े बांध लोगों ने बांध दिए, और बड़े बड़े बांध ने टेक्नोलॉजी बढ़िया बढ़िया यूज किए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी क्या करता है कि जो मिट्टी है, जो मिट्टी आता है जिसको स्लिट सिल्ट कहते हैं अंग्रेजी में, जो प्रकृति लाती है, जिसको हम लोगों ने भारतवर्ष में पहले वो मिट्टी को हम इस्तेमाल करते, कहां हमारे पास टेक्नोलॉजी थी जिसको इस्तेमाल करके हम खेती करते थे, लेकिन उनको अभी जमा कार कर दिए ना बड़े बड़े बांध में. जैसे मैं उदाहरण देता हूँ हीराकुड डैम, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, हीराकुड डैम में बड़ी समस्या अभी है कि सिल्ट आ गई, उनको अभी लोगों कह रहे पैसा लो हमको रिसर्च करो, उसको सिल्ट से मुक्त करो, मेरे डैम को सिल्ट से मुक्त. बड़े बड़े जितना भी बांध बांधे हैं लोगों ने, उनको समझ में नहीं, क्योंकि वो एक एक क्या है कि मारने का पद्धति निकाल दिए लोगों को. क्योंकि बांध, मान लो कोई बांध टूट जाएगी तो क्या होगा, सब लोग समुद्र में चले जाएंगे. तो बड़ी विकट स्थिति है. उसके अलावा उसका क्या है कि बहुत मेंटेनेंस है, बहुत कॉस्टली है, और लोगों को बहुत गांव को दबाह कर दिया है नदी ने, नदी जो बांध बांधे हैं, और ये आर्टिफिशियल फ्लड भी बनाते हैं पैसा पैसा कमाने के लिए, कुछ लोग ऑफिसियल लोग, अगड़म बगड़म लोग, ठीक है, तो बड़े समस्या करते हैं बड़े बड़े चीजें तो उसको करने के लिए. तो मैं आपको उदाहरण देता हूं एक, जो कि करीब 120
बिफोर क्रैस्ट बिफोर सॉरी बिफोर कॉमन एरा उसके आसपास में एक थे राजा चोला किंग करिकाल। उन्होंने एक बड़ा जो कावेरी है कावेरी रिवर के ऊपर आप जानते हो कावेरी डिस्प्यूट है कर्नाटक तमिलनाडु में, मैं जब स्टूडेंट था उससे भी अभी तक चल रहा है, पता नहीं कब तक कब खत्म होगा, पानी के लिए लड़ाई चल रहा है। तो उस समय में उन्होंने एक बांध बांधे करिकाल में और वो एक कोलीडम करके रिवर है और एक कावेरी उसको संगम में एक रिवर बनाया एक बांध बांध देते जो कि अभी का इंजीनियर बना नहीं पाएगा। मैं बता देता हूँ, मैं उसको थोड़ा समझने के लिए कोशिश किया, मेरा जो समझ आया मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स जो है उसको अभी बांध नहीं बांध सकते, उन लोगों ने बनाया। उसके बाद जो ब्रिटिश लोगों ने उनको देखा कि भाई उसको थोड़ा मेंटेनेंस चाहिए, तो मेंटेनेंस नहीं के युद्ध हुआ था तो ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि हम उनको सही करें, उनके पास इंजीनियरिंग बहुत भंडारा था ज्ञान, तो उन्होंने करीब 25-20 साल खपाए और कुछ नहीं कर पाए। उनके पास इंजीनियरिंग लोग क्या करे, इतना पैसा नष्ट कर रहे हैं लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उनके लोगों से कहे कि कुछ कहे भाई ये जो लोग है ना इधर गरीब लोग है और खाना नहीं मिल रहा है, उनको थोड़ा पूछे नेटिव इंडियंस वो सब मिलेच है, तो मिलेच का मतलब ब्रिटिश के नजर में वो सब बेकार थे, हमारे भारत को भारत के लोगों को बेकार समझते थे, उनको पूछा जाए। उन लोगों से कुछ कहें कि ठीक है हम उसको देखेंगे, उसको कल किए और वो जब किए हैं तो उनका जो लीडर था वो है कॉटन, वो बहुत खुश हो गया, वो क्या है कि अरे भाई हम तो 20 साल खपाए लेकिन कुछ हुआ नहीं, इन लोगों ने हमारा काम कर दिया। तो वो लिखते हैं इट वॉज फ्रॉम देम द नेटिव इंडियंस वी लर्नड हाउ टू सिक्योर ए फाउंडेशन इन लूज सैंड ऑफ अनमेजर्ड डेप्थ, in fact what we learned from them made the difference between the financial success and failure for the Madras river irrigations executed by our engineers have been from the first greatest financial successes of any engineering works in the world solely because we learned from them. With this lesson about the foundation we built bridges, wells, aqueducts and every kind of hydraulic works, we are thus in debt, deeply indebted to the native engineers. वो लोग कहाँ हैं? वो लोगों को हम दलित, निष्पेषित और पिछड़ा बना के मार दिए। वो कोई IIT में पढ़े थे क्या? इंजीनियर बने थे क्या? उस समय में IIT कुछ नहीं था। कहाँ पढ़े थे? कैसे बने? कैसे वो उसके पास गए? अभी उनका कोई नाम निशान नहीं है। वो कौन कह रहा है? कैप्टन कटन कह रहे हैं, वो इंजीनियर थे तो उन्होंने कह रहे हैं, मैंने कह रहा हूं। तो वो इंजीनियर चले गए, कहां गए वो लोग? एक मेरे को दिल में आता है कि कहां गए वो लोग? लोग सब लोगों को हम लोगों ने तथाकथित शिक्षित लोगों ने और जो भी हमारा व्यवस्था है उनको हत्या किया, हमको उनको मार दिए। ये भारत के लिए एक दर्दनाक होना चाहिए, शर्मनाक होना चाहिए, लेकिन हमको पता ही नहीं है, हम क्या जानेंगे। मैं आपको बताऊं जी, आजकल बड़े बड़े इसमें शहर में सीमेंट में बनाया जाता है, सीमेंट अच्छा है ना चूना अच्छा है, बड़े बड़े बिल्डिंग कोई साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए, मान लीजिए हीट ट्रांसफर देखिए उनको लाइफ कितना लाइफ होगा, कोई कॉन्क्रीट बिल्डिंग हम बनाएंगे उनका कोई इंजीनियर सर्टिफिकेट देने के लिए कहोगे भाई 50 साल से वो ज्यादा नहीं दे सकता और 50 साल के अंदर भी क्रैक हो जाता है, जैसे कि मैं अभी नीटर में आया हूं, मैं देख रहा हूं बिल्डिंग में क्रैक ही क्रैक है, ठीक है। लेकिन और उसमें लोहे का लगेगा और जो उसको गिट्टी लगता है वो पहाड़ से आता है और पहाड़ को तोड़ेंगे बना पाएंगे क्या? कोई टेक्नोलॉजी है दुनिया में? ओ अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, जो बड़े बड़े टेक्नोक्रैट्स है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री है, उनके पास टेक्नोलॉजी है क्या पहाड़ को बना सकते हो? नहीं, मेरे को चाहिए। जैसे कि हमारा ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालय को भी नष्ट कर दिया हम लोगों ने। आजकल क्या टूरिस्ट चल रहा है? क्या टूरिस्ट ना माउंटेनियरिंग? अरे माउंटेनियरिंग तुमको क्या करना है? व्यापार करना है,
कसकन हमारा शास्त्र कहता जावत तिष्ठति भूमंडले सशैले बन कानन तावत तिष्ठति मेदिनियम संतति पुत्र पौत्र की। ये जो है देवी का कवच है। वो देवी क्या कहती है कि देखो भाई तुम लोग जब तक पर्वत सशैले बन कानन का देखभाल करते रहोगे तब तक ये धरती माँ सिर्फ तुम्हारे नहीं तुम्हारे आने वाले पीढ़ी को भी देखभाल करती रहेगी। हम लोगों ने क्या मूर्ख बन गए, पढ़े लिखे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, विकास के नाम पर विनाश का न्योता दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे को अभी मान लीजिए पक्का मकान बनाना है तो कैसे मैं करूं, ये सवाल हम आपको पास छोड़ते हैं। मेरे को लोहा का इस्तेमाल नहीं करना है, मेरे को सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है, गिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन मेरे को पक्का मकान चाहिए। मैं आपको ये सवाल रख देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ क्योंकि समय हो रहा है। तो आप लोगों ने रस्टलेस आयरन पिलर देखे होंगे भाई, इसको समझने के लिए बहुत लोगों ने रिसर्च कर लिए लेकिन हम लोगों ने उसको समझे नहीं कैसे रस्टलेस आयरन है। वेस्टर्न लोगों ने रिसर्च करके वो स्टेनलेस स्टील निकाल दिए, माइल्ड स्टील निकाल दिए, बहुत सारे स्टील को उद्भावन कर लिया। हम लोगों ने कुछ नहीं के खाना खाए मर गए, हम कोई पढ़ाया नहीं जाता है। तो आप कभी देखेंगे उनके ऊपर एक क्या है कि बढ़िया सुंदर है, कभी कोई देखे होंगे तो सुंदर है, उसको कैसे बनाया तो उसको देखना पड़ेगा। अच्छा ये एक बढ़िया हमारा टेक्नोलॉजी, अभी तक भी रस्टिंग नहीं हुआ, अभी क्लाइमेट चेंज हो गया फिर भी मैं सोच रहा हूं कि अभी 1000 साल 2000 साल तक भी रस्टिंग नहीं होने वाला है। आपको स्टील का बर्तन खरीदते हैं भाई 10 साल 5 साल में वो रस्टिंग होना शुरू हो जाता है। आप तो देखे, मैं देखा हूं। और हमारे पास एक बढ़िया स्टील है जिसको उर स्टील कहते हैं। वो क्या है कि उसको रिसर्च करते करते लोगों ने अभी तक भी नहीं समझ पाए, ये लोग क्लेम कर रहे हैं वेस्टर्न लोग, मैं उनका रिसर्च पेपर देखा हूं, मैं मानता हूं कि वो अभी तक उनको रेप्लिकेट पूरी तरफ से नहीं कर पाए। उनका नाम है उस स्टील। एक प्रोफेसर उस स्टील के बारे में कहते हैं जेडी बेरोवेन, वो प्रोफेसर मेटेरियल साइंस इंजीनियरिंग आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। वो क्या कहते हैं, व्हिच वाज द फर्स्ट हाई क्वालिटी स्टील मेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ द ट्रैवलर्स टू द ईस्ट। The Damascus swords were made by forging small cakes of steel that were manufactured in southern India, and this steel was called wood steel. It was more than 1,000 years before the steel as good as was made in the West. वो कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रोफेसर बेरोवेन कह रहे हैं। वो मैं किसी को पूछूं, कोई स्टूडेंट को मैकेनिकल, मैं भी अभी आईआईटी बहुत सारे आईआईटी जाता हूँ, पूछता हूँ भाई तुमको ये पता था क्या? सर हमको पता नहीं था। मैंने कहा क्यों पढ़ाया नहीं जाता? क्योंकि हम लोग सर अभी भी कॉलोनियलिज्म में है, हम लोग धीरे धीरे और फंस रहे हैं। हमारे ऊपर अभी वेस्टर्न लोगों का हमारे संस्कृति को हमला है, हमारे शिक्षा को ध्वस्त कर दिया है, हमको बेकूफ बेकार बना दिया है और हम कह रहे हैं विकास करेंगे, कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको कहूंगा कि इसका समाधान क्या है। मान लीजिए हमारा आईटी हमारा टेक्नोलॉजी बढ़िया था, हम जैसे वेस्टर्न लोगों को कॉपी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉपी करोगे तो फंसोगे, और हम पुरातन चीज को कॉपी कर सकते हो क्या, ये सवाल आता है। मैं सोचा क्यों नहीं कॉपी करें, लेकिन हमारे मैं जिसको गुरु मानता हूं वो है कौटिल्य चाणक्य, जिन्होंने भारत में बहुत बड़ा काम किया था, नंद वंश को ध्वस्त किया था और चंद्रगुप्त को स्थापित करके भारत को एकत्रित किया था, अलेक्जेंडर को मात दिया था, वही है। उन्होंने कहते हैं नवेन अन्वं शोधयत रीलुक एट द पास्ट हेरिटेज विथ मॉडर्न आउटलुक। तुम पुरातन चीज को कॉपी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो काल चला गया, लेकिन उनका जो मूल तत्व है उसको देखना है, उसको ऊपर रिसर्च करना है, अभी का जो समय की मांग है उस हिसाब से करना है। करेगा कौन? मैं कभी 7-8 साल हो गए, 8 साल से अखत परिश्रम कर रहा हूं, मेरे को अभी एक ही भी चेला नहीं मिला है। आप लोगों से कितना लोग अपने जीवन को उच्चर्ग कर सकते हो देश को बचाने के लिए, कितना लोग
कोई करना चाहता है, अपना जीवन दान करना चाहता है, जीवन दान करना चाहता है, तो मेरे पास मेल करिए। मेरा मेल आईडी है dpmishra@gmail.com। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, dpmishra@gmail.com। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, dpmishra है mishra@gmail.com। तो आप कहिए, अपना पूरा जीवन दे सकते हो क्या? मेरे पास तरकीब है, भारत को भारतीयता हम पुनर्स्थापित करके रहेंगे, कर सकते हैं, लेकिन आप लोग आए हैं। आप लोग नहीं आएंगे तो कौन करेगा? आप कहेंगे कोई लोग आ जाएगा, नेता बन जाएगा, वो हमको कर देगा, नहीं हो सकता। तो मैं इसको अभी समाप्त करने से पहले, एक जो आदमी है जिसको मैं मानता हूं, वेस्टर्न लोग भी मानते हैं, वो कहते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बड़े फिलोसोफर। वो क्या कहते हैं भारतीय बारे में? वो कहते हैं इंडियन वे ऑफ लाइफ प्रोवाइड्स द विजन ऑफ द नेचुरल रियल वे ऑफ लाइफ। ये इंडियन वे ऑफ लाइफ क्या है? जैसे कि हम लोग आजकल रात को 2 बजे सोते हैं, दिन में 11 बजे जगते हैं, ये इंडियन वे ऑफ लाइफ है क्या? जोमैटो में खाना मंगाए खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये इंडियन वे ऑफ लाइफ है क्या? बड़ों को नहीं मानते हैं, गंदा फिल्म देखते हैं और इंटरनेट में रहते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, ये इंडियन वे ऑफ लाइफ है क्या? तो ये इंडियन वे ऑफ लाइफ नहीं है। वो कहते हैं वी वेल आवर सेल्फ विद अननेचुरल मास्क। आजकल कौन करते हैं? वेस्टर्न लोग। वो कहते हैं वी का मतलब जज बनना से कह रहे हैं, वेस्टर्न लोग वेल्स जो क्या है कि कहते हैं कि ना ढंग के चलते हैं, नकाब पहन के चलते हैं लोग। ऑन द फेस ऑफ इंडिया आर द टेंडर एक्सप्रेशन विच कैरी द मार्क्स ऑफ द क्रिएटर्स हैंड। हमारा जो जीवन था, कम में जियो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। टुडे हाई थिंकिंग, हाई लिविंग, नो थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। तो ये जीवन हम लोग जी रहे हैं। तो जब ऐसे भारतीय परंपरा के अनुसार जियोगे तो प्रकृति ने तुमको सब कुछ देगा, टेक्नोलॉजी देगी और हम लोग जी पाएंगे। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी नीड टू रीलुक, रिवाइव, रिजुविनेट द एंशिएंट टेक्नोलॉजिकल कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ आवर ग्लोरियस मदर इंडिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो कोई सवाल है सर? लेंगे, थैंक यू। सवाल कोई सवाल पूछना चाहता है तो हम ले सकते हैं। कोई सवाल नहीं आया तो मैं एक सूचना देना चाहता हूं, क्या है कि मेरा एक कोर्स एमपीटेल में अभी रन हो रहा है, वो है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी, जो कि पूरा दुनिया का पहला कोर्स एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी पर, 20 लेक्चर है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एमपीटेल जो हमारा स्वयं प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं, जुलाई एंड से शुरू होने वाला है। तो उसमें बहुत सारे चीज को हम दिए हैं, ये तो एक नजारा है। उसमें हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो कि जीवन के लिए चाहिए, भारत के लिए चाहिए, तो उसका हम जिगर किए हैं। उसके अलावा बहुत सारे मेरा 10-10 लेक्चर स्वयं प्रभा टीवी में भी पड़े हैं, वो भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास, मैं कलेक्ट करके रखा हूं, अभी लेक्चर नहीं दिया हूं, अभी तो ऐसे समय की बड़ी समस्या है, तो मैं उसको देखूंगा कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास धरोहर था, अभी भी बचा कुछ है, सब नष्ट हो गया। वो अब जो देख रहे हैं वो मान लो 100 है, मैं जो देखा हूं कि जो हमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो 0.0001% समझ रहे ना, हमारे पास ऐसे चीज था, लेकिन मैं क्या करूं। तो मैं इसको कहता हूं, कोई क्वेश्चन सवाल है तो मैं लूंगा, नहीं तो इसको अंत करेंगे। I am Professor D.D. Mishra from Dhanbad, IIT Dhanbad. Namaskar. What I suggest is that we should have a website. Yes. Where you can upload all this information, where people can access it at convenience. Yes. You are right. If there is such a website, please circulate it. If not, kindly develop one. Yes. Thank you very much. I will do the needful. और कोई सवाल है? हाँ,
प्रोफेसर के सिंह को दीजिएगा। दयाशंकर जी, जी सर, के सिंह जी का अनमूट करिए, अनमूट। जी जी जी, आपके कंट्रोल है ना? जी सर, जी सर। सर मैं बोलूं? हाँ सर, बोलिए। सर जैसे आपने बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया, खास करके मेरे एरिया से भी, मैं मेटलर्जी का प्रोफेसर हूँ और आपने आयरन पिलर के बारे में बताया, बहुत गुड बातें बताई, लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। हाँ बताइए। जैसे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग और इंडियन वे ऑफ लाइफ, जिसके बारे में आपने हाईलाइट किया, आज के संदर्भ में जब हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अगर हम इंडियन वे में जाएं, जहां पे कोई भी मशीनरी का इस्तेमाल ना करें, तो क्या आज के दौर में इतनी बड़ी आबादी के लिए हर तरह की सुविधाएं, इवन पुरातन सादा जीवन, सिंपल कपड़े, सिंपल खाना, ये सारा कुछ भी वहां तक ही सीमित रखना चाहें, तो भी क्या एंशियंट या हमारा इंडियन वे जो है वो फुलफिल कर पाएगा? इसे डाउट क्यों है, मैं क्यों एक क्वेश्चन बताइए कि जब हमारी आबादी बहुत कम थी, 19वीं सदी की बात करें हम, तो उस समय भूखमरी से भी लोग बहुत ज्यादा मरते थे। आज के दौर में कम से कम जो प्रोडक्टिविटी जो बढ़ी है, हालांकि केमिकल्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कम से कम कोई भूखे नहीं रहता है, तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें मुझे दिख रही है, इस पे आपका कमेंट चाहूंगा सर। मैं चाहूंगा, मैं आपका जो है कि आप कह रहे कोई भूखमरी में नहीं मरता, ये गलत है, आपके पास डेटा नहीं है, ठीक है? आप डेटा को देखिए, बहुत मरते हैं, ठीक है? दिखाई नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि आप समाज के साथ जुड़े नहीं होंगे शायद, मैं ही जानता हूं, बहुत मरते हैं। उसका डेटा सरकारी वाला एक होगा, बेसरकारी वाला होगा एक, सरकारी वाला में भी डेटा, लोग मरते हैं खाना नहीं करना, ठीक है? दूसरा बात क्या है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ हम मशीन यूज करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, लेकिन अब मशीन ना यूज करेंगे, हम सबको रोजगार दे सकते, सबको काम करने के लिए दे सकते। अच्छा, और एक चीज मान लीजिए, हम मशीन यूज करेंगे, एसी रूम में बैठेंगे, हमारा विटामिन डी कम हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो गया, बीमार पड़ेंगे, हम काम करेंगे फिजिकली, जैसे कि मैं एक्चुअली क्या है कि फिजिकल काम नहीं करता हूं, मेरा जो नौकरी है, तो हम क्या करते हैं, टहलते हैं। क्यों टहलेंगे भाई? मान लो मैं काम कर रहा हूं फिजिकली, तो मेरे को टहलने का, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी कभी टहलने के लिए नहीं जाते थे, ठीक है ना? वो काम करते थे तो उनका हो जाता। जैसे कि मेरे दादी इतना काम करती है कि घर में कभी हॉस्पिटल नहीं गई थी, वो मरी है, मेरे सामने मरी है, कभी हॉस्पिटल नहीं गई, मेरे दादा कभी हॉस्पिटल नहीं गए थे, मरे 82 साल जिए, और मेरे दादी ने 85 या उससे ज्यादा जिए, ठीक है? तो ये सब वेस्टर्न लोगों का कंसेप्ट है, वो बकवास है, मैं नहीं मानता हूं, और मैं आपको वादा कर सकता हूं कि हम, अच्छा और एक चीज, मशीन हम यूज करेंगे तो क्या होगा, मशीन करने से हमारा दिमाग नष्ट हो जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरे पास एक आदमी आया, जैसे कि आप देखेंगे आजकल टेलीफोन ऐप यूज कर, मेरे पिताजी जो 82 साल में 2018 में मर, उनका देहांत हुआ है, उनको इतना याद रहता है टेलीफोन कि हम सोचते हैं कि पिताजी आप कुछ तरकीब बताइए, मैं कैसे याद रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूं। अभी 2018 में उनका देहांत हुआ, January 9 में, मेरे को पूरा पक्का याद है, ठीक है? क्यों? उनका ताकत, दिमाग ताकत का इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने नष्ट कर दिए। और दूसरा चीज है, आदमी और मानव के, आदमी और पशु के अंदर क्या फर्क है, कोई बता पाएगा? तो प्लीज रेज योर हैंड, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वट इज द डिफरेंसेस, वट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ए मैन एंड एन एनिमल, कोई प्लीज रेज योर हैंड, आई वॉन्ट टू सी हु रियली नो द डिफरेंस, वेदर दे आर हैविंग एनी थॉट प्रोसेस, कोई नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, मैं एक बताऊंगा कि मैं टीचर हूं, सब आंसर नहीं देता हूं, मैं सवाल पूछा, मैं आंसर दूंगा तो मैं बुचरर हो जाऊंगा, कत्ल कर दूंगा,
वो वही चल रहा है शिक्षा के नाम पर। शिक्षा के नाम पर हम लोग दिमाग को नष्ट करते सड़ा देते और सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं। ठीक है, ये दुख की बात मैं कहता हूं, मैं पीड़ा है मैं झेला हूं, तो इसलिए मैं बोलता हूं ये जो शिक्षा चल रहा है ना, मेरे बस को होता तो बंद करो इस शिक्षा को, जरूरत नहीं है। ये सब व्यापार कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोगों को नष्ट कर रहे हैं। आप देखिएगा मेरा आवक मदर इंडिया में कि मेरा है कि बचपन बचाओ एक मैं अभियान चलाता हूं। बच्चा पालन करना कठिन काम है, लोग जानते नहीं, बच्चा पैदा कर लेते पशु की तरह। तो साहब आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक एक आंसर आपको देता हूं जो मानव और आदमी के अंदर फर्क है, सॉरी पशु और मानव के अंदर फर्क है, क्या है? क्रिएटिविटी। मैन इज अ क्रिएटिव क्रिएचर बाय नेचर। जब तुम हाथ में करोगे तो क्रिएटिव बनोगे। मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं, मेरे माँ है, मैं जब यंग छोटा था स्कूल कॉलेज में, मेरे माँ का बहुत शौकीन था कि वो गहना पहने। तो हमारे जो पहले कारीगर आते थे घर में, बुला लो वो आ जाएंगे, अभी तो तुमको दुकान जाना पड़ेगा। पहले क्या है कि कारीगर खुद घर में आ जाएंगे, वो आएंगे और उसको बताएंगे भाई ऐसा है, और माँ हमारा क्या करेगी ना, उसको अपना डिजाइन देगी, भाई एक बना लो। और कारीगर जब लाएगा और एक करके लाएगा, कभी कभी पूछता है कि भाई मैं कर लिया हूं सुंदर है ना, नहीं होगा तो दोबारा करती करता। वो कारीगर हमारा जो घर का था, वो घर का था तो रिलेशन था हमारा, समझ। अभी घर से कोई नहीं है, तुम बाजार में जाओ, रिलेशन नहीं है, है क्या? नहीं है। तो एक तो रिलेशन डेवलप होता है, दूसरा चीज क्रिएटिव। मान लो मेरे माँ ने डिजाइन दी है और वो पहनी है, हम लोग देखे अरे माँ को कितना बढ़िया सुंदर दिख, एक भावना होता है ना। अच्छा, वो बनाया, वो लोगों को रोजी रोटी दिया, उनको भी आनंद आया कि उन्होंने एक डिजाइन को लगा पाया। लेकिन मशीन में क्या होता है आजकल, कोई एक्स वाई जेड कंप्यूटर बैठेगा बना देगा, वो कॉपी करो पेस्ट करो, मेरे बात समझ रहे हैं? तो ये मानवता नहीं है, ये मानवता हनन है। तो इसलिए मशीन यूज करे, अच्छा एनर्जी यूज करोगे प्रदूषण करोगे, हमारे पास पेट्रोल नहीं है पेट्रोल बाहर से लाओगे पैसा खपाओगे, तो ये क्या नोटेंगे अभी सवाल का जवाब दिया ना। और बहुत सारे मैं बहुत आर्गुमेंट दे सकता हूँ, अनंत आर्गुमेंट में दे सकता हूँ, जो चल रहा है वो सब बकवास है, लोगों को बेवकूफ करने के लिए बेवकूफ बना रहे। भारत के पास ये क्षमता है कि हम लोग प्राचीन, लेकिन प्राचीन का भी कॉपी नहीं कर सकते। अभी क्या करना है हमको समझना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके लिए रिसर्च करना है, और परंपरा को जानना है, हमारे शास्त्रों को पढ़ना है, उसके बाद करके हम नया भारत का जन्म कर सकते हैं। आप कर लेंगे, मैं भारत को बचा लूंगा, हम लोग बचा लेंगे तो धरती को बचा सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो ये जो उटपटांग चीज आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो ना समझ की बात है, क्योंकि हम लोगों को सिखाया गया तोता हम हो गए, वो जो कह रहे हैं हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, नहीं 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 वो नहीं हो सकता। हम ये धरती में बताऊंगा, अभी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रहा है, बहुत दौर चल रहा है, तो लोगों खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन तुम केमिकल लेके क्यों किए हो? क्योंकि तुमको बिजनेस चाहिए, और ये सब उनका क्या क्रियाकलाप है कि बाहर लोगों का हमको लूटो। तो हम लोग समझे कि भाई हमारे ऊपर हमला है, ये हमला कोई जैसे कि मुसलमान लोगों ने आए घोड़े पे आ गए, ब्रिटिश लोगों ने आए बंदूक लेके आ गए, या ये हमला एक वैचारिक का हमला है, ये हमला में कोई लोग नहीं है, लेकिन किसी को समझ में नहीं है। कोई आपको बताया है क्या ऐसा है करके? मैं बताता हूं, ये दुख की बात है, कोई आदमी 125 करोड़ है, कोई आदमी नहीं कहता कि हमारे ऊपर हमारे संस्कृति को हमला है, हमको नौकरी देने के लिए लोगों ने आ जाता है, हमारे संस्कृति को नष्ट कर देते हैं, हमको भिखारी बना देते। मैं सही बोला ना गलत बोला, आप डिसाइड। और कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं तो उसको बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच देवी प्रसाद सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल स्पीच सर, एंड होप टू हैव लॉट मोर सेशन लाइक दिस इन नियर फ्यूचर। इसीलिए आपको याद होगा, आपका आपका भाई चंचल हमको कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, अगर मैं इंजीनियर की तो बहुत सारे लोग दे देंगे, इसमें कौन देगा? मैं उनको आपको कहा था विप्लव जी, आपको याद है ना?
इंजीनियरिंग में तो मैकेनिकल इंजीनियर बहुत सारे थे, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये देश का विषय है। लेकिन सर आप जो बोला है, सिंस यू आर टॉकिंग सो देयर इज ए एक्सेप्टेबिलिटी, नो यू आर नोइंग दैट मॉडर्न साइंस, यू आर नॉट लाइक एनीबॉडी एल्स, सो व्हेन यू टॉक समथिंग एक्सेप्टेबिलिटी इज मोर, दैट इज व्हाट माय पॉइंट, सो यू नो दैट इज इंपॉर्टेंट। यस, सो वी आर वेरी मच इंप्रेस्ड सर विथ योर टॉक। इन फैक्ट ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज डू समथिंग फॉर माय नेशन, सेविंग नेशन। A very knowledgeable person, scientist, researcher. So we are very much thankful, sir. And as we discussed earlier, we would like to also invite you to our university when things become normal. Okay. And kindly address our students and faculty member. Sir, we have got a strong science department. We have got strong engineering department. And we have got total various departments are there. So all will be eager to listen to you, sir, this talk. Bharat ke liye hum kidhar pe bhi ja sakte hain. सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं इकफाई यूनिवर्सिटी त्रिपुरा परिवार के तरफ से आशा करता हूँ सर कि आने वाले समय में आपका इसी तरह प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद व्याख्यान सुनने को हमें मौका मिलेगा सर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर रंगनाथन सर और स्टार आईयूटी टू गिव वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू जयशंकर। Good afternoon to everybody. Respectable speaker for today's program, relevance of ancient Indian technology in modern era. Our provost chancellor sir, Dr. Priyanshu Rana Bhattakur, Dr. Daya Shankar, Dr. Kanta Rao, and my colleagues and the participants from outside. I am honored to propose vote of thanks on this webinar session. Sir, the topic which is chosen and it was discussed in this webinar session, in our B.Ed. curriculum, we introduced as a topic for our teachers in mathematics. Five University, Tripura.